ये है एक जाले में मिली हुई अपने को पापलेट। ये देखो कितनी सारी एक जाले में मिली हो, और काफ़ी सारी मच्छी जिसमें सौंदाला, बांगड़ा है, देखो मैकरेल वगैरह भी बहुत सारा शामिल था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बबलू सलकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बबलू सलकर फिशिंग। और स्वागत करता हूँ आपका आज के और एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं डीप सी में स्पेशली फॉर कम्फर्ट पापलेट मासेमारी के लिए हम लोग आए हैं। तो जो हम लोग पापलेट पकड़ने वाले हैं ना, उसके लिए हम लोग एक जाला यूज़ करते हैं। वो जाले का साइज कैसी होता है जाला, तो ये देखो ये वो जाला है। इसके लिए 20 mm की लाइन यूज़ की जाती है, तकरीबन 4 इंच का इसका गाला रहेगा साइज। तो अभी कौन कौन है मेरे साथ में, मैं हूँ अदनान, फहीम भाई, वासिफ भाई, मुज़म्म, इरफान चाचा और फरहान। फरहान को जो कि दरिया लग चुका है, फरहान सो के हैं। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी फिशिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी भाई ढूंढ रहा है एक अच्छी सी जगह जहाँ पर वो अपने पापलेट का जाला डाल सके। तो वो पापलेट का जाला उस जगह पर डालते हैं जहाँ पर पानी मैला होता है। ये देखो जाला ना सीधा लगा दिया है उस जगह पर जहाँ से हम लोग को डालना है जाला। जो ये फुटेज है वो गए साल की है, जब हम लोग पापलेट के लिए गए थे। तो अभी मेरे पास कोई भी फुटेज नहीं थी, इसलिए मैं आपको ये वाली फुटेज बताऊंगा। ये देखो ये जगह देख रहा है भाई, वहाँ पे ये जाला डालने वाला है, जिसके ना जो भाई डाल रहा है ना वहाँ पर वेट लगा हुआ है, तकरीबन 150-200 ग्राम के आसपास वेट होगा। और जहाँ से वासिफ भाई डाल रहा है ना अपना, जो उसके अपोजिट साइड में है, वहाँ पर बोया लगा होता है, मतलब क्योंकि उससे ना अपना जाला है ना वो एक तरफ से पानी के अंदर चला जाए और दूसरी साइड से ऊपर, मतलब सरफेस पे रहे, उस तरीके से वो जाला डालते हैं। और जो अभी ये रॉक के पास से डाल रहे हैं ना जाला, उसका मेन रीज़न ये है कि रॉक के पास में ही ज़्यादातर पापलेट होती है, ठीक है, इसके लिए रॉक के करीब से डाल रहे हैं। तो अभी अपना जाला डाल के हो चुका है लास्ट, 2-3 भेंड बचे हैं, ये खत्म होते हैं, हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद खींच के देखेंगे पापलेट मिलती है कि नहीं। जाला पानी में डालते ही साथ पहले कुछ देर रुकना होता है, मतलब हम लोग आधा पौना घंटा रुकते हैं, उसके बाद ही जाला खींचने को लेते हैं। ये जाला पानी में डाल के हो चुका है, तो अब जाला पानी में डाल दिया है, तकरीबन आधे या पौने घंटे के बाद हम लोग खींचने को जाला खींचने के बाद की सारी फुटेज है ना वो फहीम भाई ने शूट किया अपना हेड माउंट लगा के, क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैं शूट नहीं कर सकता था इसके लिए। ये तो वही जाला उन्होंने खींचने की शुरुआत कर दी है बिस्मिल्ला। ये पापलेट के जाला अभी जस्ट बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बस पापलेट ही मिलती है, दीगर और मच्छी भी मिलती है, जिसमें सौंदाला होता है, बांगड़ा है, तो कोई सौंदाला है, बहुत सारी मच्छी मिलती है माशाल्लाह, शुरुआत अच्छी हुई है। ये देखो माशाल्लाह बड़ी साइज में एक पापलेट आ रही है, देखो इसको अदनान ने अभी उठाया है, एक बड़ी साइज वाली पापलेट। उसके बाद ये देखो बांगड़ा भी मिला है अपने को। ये जाले में ज़्यादातर मच्छी मिलती है, लेकिन ये स्पेशली बांगड़े का जाला नहीं है, उसके लिए कुछ अलग जाला आता है। और ये जो गार्ड बैठते हैं ना उसको छुड़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो जाला डालते रहेंगे ना तो अटकता है, इसके लिए मैंने छुड़ा के पूरा प्रॉपर कर दिया उसको लेवल में। आप खींच रहे आगे देखते हैं अभी। तो अभी देखो चमचमाते आ रही है ना, देखो पापलेट, ये देखो ये इस तरीके से मिलती है कुछ इस तरीके से, ये देखो, अरे दो कंटिन्यू दो आए, एक फरन छुड़ा रहा है, ये देखो पहले जो वाले में मिली थी ना वो,
तो अभी का जो बांगड़ा आ रहा है ना वो एक साइड से खाया हुआ है, उसको खाती है मच्छी जो कि पफर फिश होती है ना, वो जाली में मिली हुई मच्छी को खाती है वो। देखो वहाँ पर भी एक है जो ब्लैक पम्फर्ट है, ब्लैक पापलेट, वो देखो वो भी अच्छी साइज में माशाल्लाह है। उसके बाद यहाँ भी एक आई, उसको नीचे से झुक के उठाना पड़ता है क्योंकि अगर वो अटकी नहीं होगी ना उल्टी साइड से अटकी होगी तो फटाक से निकल जाती है, उसको उठाना ही पड़ता है। ये देखो ये कुछ है यहाँ पर, ये कुछ अलग ही मच्छी है, डिफरेंट है, एकदम पतली सी है और लंबी थी, क्या थी क्या पता नहीं। पहले तो हम लोग ने इसे ले लिए थे, उसके बाद उसे रिलीज कर दिए, अजीब ही था ये, बहुत पतली थी। पापलेट के इसमें बहुत गड़बड़ी होती है, ऐसे आते हैं ना लगातार तो फटाफट उनको उठाने पड़ते हैं। और एक ही कंठी इसलिए अभी तीन आए माशाल्लाह बड़ी साइज में, कुछ इस तरीके से वो आते हैं फटाफट। और ये बांगड़ा बिंगड़ा है,
पापलेट पापलेट पापलेट
उल्टी नहीं होती थी पारून के लिए। अचानक से चमकते हुए आते हैं तो बहुत गड़बड़ी करनी पड़ती है और धीरे से उसको उठा के लेना पड़ता है। सब एक्टिव है अभी, जब पापलेट मिलती है तभी। तो हमें दो तीन जाले में मिले थे इतने सौंदाले और बांगड़े, आधा फ्रिज भर गया था उससे ही जो बांगड़े और सौंदाले थे। उसमें से हम लोग को देखो झिंगे विंगे थे उसमें बहुत सारे, और जो पापलेट थी ना पापलेट वो भी माशाल्लाह बहुत सारी मिली थी। ये वहाँ पे आगे रखे हुए बांगड़े वो भी अपना उसमें डाल रहा है अभी, ये देखो माशाल्लाह। और जो हमें पापलेट मिली थी ना वो आधी जाली से भी ज़्यादा पापलेट मिली थी माशाल्लाह, ये देखो आधी जाली से भी ज़्यादा सौंदाला है अलग निकाला हुआ माशाल्लाह। अलहमदिल्ला बहुत सारी मछली मिली थी। और ये वीडियो यहीं पे हम लोग ने स्टॉप कर दी क्योंकि मेरे को कोई भी इंट्रो शूट करने नहीं मिला था। ये पापलेट की साइज़ देखो माशाल्लाह।